सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, क्या बिना ऑफर लेटर के यहाँ पर दोस्तों 17,000 प्लस की जो नोटिस जारी की गई थी यहाँ पर जिला आवर्टन की, क्या उसकी नोटिस के रिगार्डिंग क्या बिना ऑफर लेटर के आप सभी की DVP कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों DAV के रिगार्डिंग हमारे पास जो अपडेट आती है, यानी कि काफ़ी जो अपडेट है वो उम्मीदवारों पास ही आती है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि वह एक स्टेप आगे रहते हैं और सबसे पहले जाकर वो डायरेक्ट ही कर्मचारियों द्वारा वहाँ पर विभाग द्वारा जाकर ये अपडेट लाते हैं और उनके तरफ से बताया जाता है कि सर ऐसा हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप सही पता है कि लगातार जो आप सभी के जो शॉर्टलिस्टेड हुए थे और जिला आवंटन हुए थे उसमें नोटिसों में काफ़ी ज़्यादा अंतर था, और अगर नोट देखें तो नोट में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिला था। पर दोस्तों जो उम्मीदवार जिला आवंटन लिस्ट के जो नोट में लिखा गया था कि एजेंसी द्वारा जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कराई जाएगी, और उम्मीदवार ये भी कह रहे हैं कि जब तक ऑफर लेटर जारी नहीं होगा तब तक DVP कैसे कराएंगे, कैसे मान्यता रहेगी कि यही उम्मीदवारों के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुए थे, उनका ये ऑफर लेटर है जो CMO ऑफिस के अंदर भी एक जो है वो नोट के माध्यम से प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ऑफर लेटर, यानी कि कई उम्मीदवार कह रहे हैं कि जो दो लगभग यहां पर जो है जो मेरिट बेस सिलेक्शन हुआ था उनका, यानी कि NHM डिपार्टमेंट द्वारा जो एजेंसियां थी वो मेरिट बेसिस पर उम्मीदवारों को यहां पर जो है हायर की थी, उसमें डायरेक्ट ही दोस्तों उन सभी उम्मीदवारों का ऑफर लेटर में यहां पर जारी किया गया था। और दोस्तों इस दौरान जिनके भी यहां पर रिटन एग्जाम के थ्रू होती है तो उसमें ऑफर लेटर जारी तो होती है, पर दोस्तों कुछ समय लगता है, पर उसके प्रोसेस के लिए भी उम्मीदवार जो है वो जाकर जिला आवंटन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो जिस डिस्ट्रिक्ट में उनको जो प्रेफरेंस मिला है, जिनके लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है, उसमें जाकर वो डायरेक्ट भी कराते हैं दोस्तों। ऐसे इन चीज़ों को लेकर रिसेंटली जिनके अभी तक होम डिस्ट्रिक्ट मिले हुए हैं वो लगातार उम्मीदवार जिला आवंटन होने के बाद वो उम्मीदवार इंतजार नहीं किए हैं, डायरेक्ट उन्होंने विभाग द्वारा गए हैं, उस कार्यालय में जाकर बात किए हैं, और विभाग द्वारा यह भी किया गया है कि इसके अंदर दो चीज़ों की यहाँ पर कमी है, वो दो चीज़ पूरे कर लाओ तब यहाँ की जो प्रोसेस है उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो उनके तरफ से दोस्तों यही बताया गया कि जो इसमें कमियाँ थी, जैसे कि आप सभी के पैन कार्ड जो ऑलमोस्ट उम्मीदवार हमेशा अपने पास ही कैरी करते हैं, और साथ ही दोस्तों बैंक की जो है पासबुक वो रिगार्डिंग, यानी कि दोस्तों यह चीज़ कहने का मतलब है कि डायरेक्ट जो उनकी लेटर है वो प्रोवाइड करने की यहाँ पर बातें की जा रही है। पर दोस्तों उस नोटिस में साफ साफ ये भी कहा गया कि जब तक जिला आउटन यानी कि ऑफर लेटर नहीं आएगा तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो दोस्तों ऑफर लेटर के रिगार्डिंग जो एजेंसियां है वो पूरे तरह से काम कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं फाइनली डेट कि जो ऑफर लेटर है, यानी कि जिस ऑफर लेटर का उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं वो कब तक जारी होगी, वो एजेंसियां कब तक जारी होगी, और साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ANM के अंदर बता दूं कि जो उम्मीदवार ANM में नहीं जा रहे हैं दोस्तों उनके लिए फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी होगी, और जो सेकंड होगी वो दोनों ही लिस्ट में उम्मीदवारों की काफ़ी संख्या के माध्यम से उठाई जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। NHM की हर एक अपडेट पाने के लिए, नर्सिंग भर्ती के रिगार्डिंग, CHO के रिगार्डिंग, आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ जुड़ जाइएगा। जो भी क्यूरीज होगी आप सभी को कमेंट के माध्यम से हमारी टीम की तरफ से पूरी सहायता की जाएगी। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों 20% कैंडिडेट जिनके लगभग यहां पर जो है 800-900 हज़ार किलोमीटर के दूर के रेंज में जो इन्हें डिस्ट्रिक्ट मिली है वो उम्मीदवार इस वैकेंसी से पहले ही हट चुके हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जाना ही दोस्तों यहां पर कैंसिल कर दिए हैं। अब वो नई तैयारी में अपने जुट चुके हैं, क्योंकि कई सारी स्टाफ नर्सिंग की और ANM की लगातार यहाँ पर वैकेंसियाँ 2024 को देखने में मिली है, अब वो उम्मीदवार उन वैकेंसियों में लग चुके हैं। शायद दोस्तों ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके लिए ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसे उम्मीदवार जो है यहाँ पर नहीं आएंगे। 10-20% उम्मीदवार जो है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से पहले ही रिजेक्ट हो चुके थे, क्योंकि मैंने बताया था कि कई डॉक्यूमेंट ना होने के कारण तभी उन्होंने ये प्रेफरेंस भरा था, जिसके कारण ये डॉक्यूमेंट सबमिट ना होने के कारण उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से बाहर चले जाएगा, और वो उम्मीदवार इस वैकेंसी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से किसी तरह का कोई भी माध्यम इस वैकेंसी के अंदर नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वो उम्मीदवार जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो यानी कि फर्स्ट वेटिंग सेकंड वेट, यानी कि वेटिंग वाले और नॉट शॉर्टेड वाले कैंडिडेटों की संभावना ANM के अंदर दोस्तों ज़्यादा है, क्योंकि स्टाफ नर्सिंग के उम्मीदवारों की अभी तक जिला आवंटन के लिए जारी नहीं हुए, तब तक इसके बारे में कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो अब मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जितने भी उम्मीदवार जिला आवंटन लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, एजेंसियों द्वारा एक अपडेट आई है, क्योंकि अगर विभाग द्वारा भी अपने से भी पर्सनली अगर कॉल करते हैं तो जो एजेंसियां हैं वो इस पर काम कर रही हैं,
थोड़ी जो उनकी जो जो काम करने की प्रक्रिया है वो कुछ स्लो कह सकते हैं, पर दोस्तों पर काम इस पर चल रहा है और अधिकारियों द्वारा जो चीज़ बताया जा रहा है वो बिल्कुल ही फैक्ट रीज़न के साथ भी दोस्तों यहाँ बताया गया है, कि जिसके कारण आप ये 100% कह सकते हैं कि अब जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सॉरी दोस्तों की जो वैकेंसी आई थी उस पर जुड़ी हुई है सरकार यहाँ पर विभाग पर। दोस्तों स्टाफ नर्सिंग की जो जिला आउटन की जो लिस्ट है, लिस्ट को लेकर जो एजेंसियाँ को लगातार यहाँ पर जो है लेटर भेजा गया है और ऑफर लेटर के रिगार्डिंग जो अपडेट है, एजेंसी ने कहा है कि फरवरी के इसी वीक तक जो है, इस वीक तक जो है आप सभी जितने ANM हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फार्मिस्ट हैं, उन सभी के ऑफर लेटर को यहाँ पर विभाग द्वारा जो है यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। तो यह एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। पर दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो उम्मीदवारों ने शुरू कर दिया है। पहले दोस्तों वो उम्मीदवार ही जा रहे हैं जिनके जिला आवंटन होम डिस्ट्रिक्ट हुए हैं, जिनके किलोमीटर 5 या 10 किलोमीटर के रेंज में है CMO ऑफिस, उस दौरान उम्मीदवार वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जाना भी स्टार्ट कर चुके हैं और उनके तरफ से यह बताया जा रहा है कि सर बैंक अकाउंट की भी डिटेल मांगी जा रही है। यानी कि बैंक अकाउंट की डिटेल के कारण आप समझ सकते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पूरा होते ही उन्हें जिला आउटन कर दिया जाएगा और जिस जगह डॉट पॉइंट जिस जगह भी उन्हें किया जाएगा आउटन कर दिया जाएगा और उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि बैंक अकाउंट की जो रिगार्डिंग होती है वो सबसे लास्ट फॉर्मेट होती है कि हर चीज़ क्लियर होने के बाद फाइनली जो है बैंक अकाउंट को अटैच कर देना है, क्योंकि अगर उम्मीदवार काम करेंगे तो उन्हें अपनी पे स्किल भी यहाँ पर मिलेगी। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि दोस्तों ANM के जितने उम्मीदवार हैं इस वैकेंसी को ना छोड़े, दूर है नज़दीक है, आप यह कर सकते हैं कि ज्वाइनिंग होने के बाद दोस्तों आप अपनी जो है होम डिस्ट्रिक्ट पाने का भी एक मौका रखते हैं। पर दोस्तों अगर आपने देखा भी है, मैंने पिछले वीडियो में यही कहा था कि इसके रिगार्डिंग लगातार ANM द्वारा यहाँ पर जो है परमानेंट करने की मांग है, वृद्धि करने की मांग है, सरकार ने वृद्धि करने की जो मांग है वो तो मानी ही, पर दोस्तों आने वाले समय में खुद ही यहाँ पर जो है प्रस्ताव था कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन्हें परमानेंट किया जाएगा। और दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में आचार संहिता से पहले दोस्तों आप सभी के लोकसभा चुनाव से पहले और आचार संहिता से पहले दोस्तों आप सभी की जो यहाँ पर जो है ANM उम्मीदवार हैं उनकी वैकेंसी को यहाँ पर परमानेंट भी दोस्तों किया जाता है। तो इस पे दोस्तों विशेष रूप से आप ध्यान दें, प्लीज़ इस वैकेंसी को छोड़े नहीं, क्योंकि एक आपके सामने एक अच्छा जो है यहाँ पर जो है चांस है परमानेंट होने का दोस्तों। तो इन चीज़ों को यहाँ पर पूरे तरह से ध्यान रखें और यहाँ पर इसके जैसे ही दोस्तों स्टाफ नर्सिंग की कोई अपडेट आती है तो आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।